मुरादाबाद की रामगंगा नदी में डूबा 10 जुलाई को केशव दिवाकर का शव रामपुर जनपद में रामगंगा नदी में मिल चुका है, जिसके बाद परिजनों ने शव की शिनाख्त की है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मुरादाबाद के थाना कटघर गोविंद नगर के रहने वाले केशव पुत्र भूरे दिवाकर अपने घर से चार दोस्तों के साथ 10 जुलाई को रामगंगा नदी में नहाने के लिए गया था। केशव दिवाकर के तीन दोस्त तो बाहर आ गए, मगर केशव दिवाकर नदी में ही डूब गया। उसके बाद थाना कटघर इंस्पेक्टर रामप्रसाद शर्मा को सूचना दी गई थी कि एक लड़का रामगंगा नदी में डूब गया है। थाना इंचार्ज ने अपने आला अधिकारियों से बात की तो पीएसी एनडीआरएफ की टीम को बोट के साथ लखनऊ से बुलाया गया और केशव को ढूंढने में चार दिन लग गए। उसके बाद पांचवें दिन केशव की बॉडी जनपद रामपुर के थाना सैफनी के ग्राम तेलीपुरा के पास रामगंगा नदी में मिली। गाँव वालों ने अज्ञात शव की सूचना इंस्पेक्टर संदीप कुमार कटेरिया को दी कि रामगंगा नदी में एक अज्ञात शव पड़ा हुआ है। उन्होंने तुरंत इसकी सूचना थाना कटघर इंचार्ज शर्मा को दी। कटघर थाने से चौकी इंचार्ज गुलाबबाड़ी नीरज पाल सिंह अपनी चौकी की टीम को लेकर थाना सैफनी पहुंचे और परिजनों को शव की पहचान कराकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। ये कल 6 बजे देखी थी शाम के टाइम। अच्छा, तो हमारे गांव के जाते हैं चारा वारा लेने इधर, तो इन्होंने 6 बजे देखी थी। फिर सुबह पता चला लोगों को हमें, फिर हमने भी इतला करी दूसरे पड़ोसियों गाँव को, तो फिर हमारे यहाँ की पुलिस वुलिस भी आई थी, तो ये हमने सुबह निकाली है। सुबह कै बजे निकाली? ये निकाली करीब 10 बजे निकाली है। 10 बजे। तो कुछ पता चल पाया कौन है क्या है? अब देखो, हमने इतला कर दिया, उनके माता पिता आ रहे हैं, अगर वो पहचानेंगे तो ठीक है। पुलिस पहुंच गई है? जी बिल्कुल, पुलिस पहुंच गई है, मुरादाबाद से भी आ गई है, सैफनी थाने की भी है। जी भांजे की है। क्या नाम था इसका? केशव कुमार। कब डूबा था ये? 10 तारीख की शाम को। तो आप बॉडी कहाँ मिली है? मुझे तो गाँव में, तेलीपुरा गाँव में। तो कब डूबा था? 10 तारीख को। 10 तारीख की शाम को। अच्छा, बॉडी पहचान ली आपने? जी हाँ, हमारी है। किसकी है ये बॉडी? हमारे भांजे की है। क्या नाम? केशव। केशव कुमार।